हसीब रफी कुत्ता है, हसीब रफी कुत्ता है, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हसीब रफी का गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आज बारकस के नौजवानों के साथ तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में कुरान के ताल्लुक से जो बात कही गई है, मैं उस बदबخت का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी जानते हैं। बहरहाल मसला कुरान का है तो ये बहुत इंतहाई अहम मसला है और हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इस PIL को ख़ारिज करेगा बल्कि एक समझिए कि बड़ी पेनल्टी भी उसके ऊपर लगाई जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट समझिए कि ख़ारिज नहीं करता है और इसकी सुनवाई शुरू करता है तो ये मुल्क की जमहूरियत के लिए इंतहाई बदबख्ताना दिन होगा। और 20 करोड़ मुसलमान इस मसले पर शदीद जज्बात और एहसासात रखते हैं। ये कुरान का मसला है, जहाँ तक कि कुरान का और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मसला होता है वो हमारे जान और हमारे माल से ज़्यादा बढ़कर अहमियत का हामिल होता है। तो हम इस मसले पर किसी की परवाह नहीं करेंगे। बहरहाल हमें उम्मीद है कि मुल्क का दस्तूर और मुल्क के कानून के हिसाब से इस PIL को न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। आज से 80s में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चंद्रचूड़ नामी एक समझिए के बदबख्त ने कुरान पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त डाली थी। उस दरख्वास्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि यह हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक नहीं है कि कोई भी मजहबी किताब पर पाबंदी लगाई जाए। एक बात और आपको याद दिला दूं कि रशिया ने मनमोहन सिंह के पीरियड में रशियन गवर्नमेंट ने भगवद गीता पर पाबंदी लगाने का एक कानून लाया था। उस कानून को पार्लियामेंट में, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी, हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी शदीद एहतजाज किया था कि किसी की मजहबी किताब पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। तो आज हम देख रहे हैं कि दूसरे तबका जिस तरह आना चाहिए था कुरान के मसले पर, वो समझिए कि नहीं आए हैं। लेकिन 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए और अपनी कुरान के तहफ़ के लिए समझिए कि आगे बढ़ेंगे। हम किसी सूरत से खामोश नहीं बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करे, हम ये उम्मीद करते हैं। ये एक टोकन प्रोटेस्ट है, एक समझिए सिर्फ अपने एहसास का इजहार है, अभी हमने अपना जज्बा और जोश नहीं बताया है। इस ताल्लुक से अगर कोई गलत समझिए वे अपनाया जाता है, क्योंकि संघ परिवार की हुकूमत है और ये समझिए जो डाला गया है, जो मुसलमान है, शिया है, फला हैं, ये समझिए कि कुरान पर कोई बात कहने के बाद मुसलमान बाकी नहीं रहता। और जो शिया तंजीमें हैं उन सब ने भी इसको इस्लाम से ख़ारिज किया है। ये एक अच्छा इकदाम है कि उसको इस्लाम से ख़ारिज किया गया। और जहाँ तक कि हमारा ताल्लुक़ है कि कुरान के ताल्लुक से कोई भी एक लफ्ज़ कहे तो मुसलमान बाकी नहीं रहता, उसको तजदीद निकाह भी करना पड़ता है और ईमान भी उसका तजदीद होना पड़ता है, तो वो मुसलमान बाकी नहीं है। ये RSS के इशारे पर ये काम किया गया है, इसको हम बहुत अच्छी तरह तरीक़े से जानते हैं। ये इसके पीछे वो UP का खाली वक्फ़ का इंसान नहीं है बल्कि वो इंसान नहीं, हैवान है, और यह RSS के इशारे पे हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट से हम पूरी तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को रिजेक्ट करेगा। आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी चंद्रायन गुट्टा, जैसे मैंने कह दिया है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन दिया है कि इसके खिलाफ समझिए केस बुक किया जाए, सारे मुल्क में कंप्लेन हो रहे हैं। ये सिर्फ मैंने कहा कि एहसास का इजहार है, जज्बात का और जोश का इजहार नहीं है, जज्बात और जोश तो कहीं और ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये फजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी।
आज हम लोग चंद्रगुप्ता पीएस के पास आए हुए पूरे हमारे ईसा भाजप साहब और हमारे मुश्ताक मलिक साहब और हमारे वार्केश के पूरे बुजुर्ग लोग और नौजवान मेरे भैया यहाँ पे आने का मकसद ये है जो हाल ही दिन में जो एक जो मुसलमान के नाम पे धब्बा है वसीम रजवी उन्हें जो आरएसएस और बीजेपी के नक्शे ख़त्म पर चढ़ के जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज भुट्टा पीएस पे सीई साहब हमारे रुद्रा भास्कर जी साहब को एक मेमोरेंडम दिए है, उन्होंने तौखीन दिया है हमारे को। और मैं सारे आवाम से जितने भी लोग से ये बोलना चाह रहा हूँ, इलेक्शन का पीरियड नहीं है ये, ना तो कोई सियासी जमात है, ये एक इस्लाम के बारे में कुरान शरीफ के बारे में एक ये वाक़ है। तो हर किसी को कोई लीडर ही सियासी जमात बोल के नहीं है, हर किसी को इसके लिए आवाज़ उठाना है। मगर कई लोग सो रहे हैं, मगर ईसा भाजप साहब हमारे भैया मुश्ताक मलिक साहब हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। मगर जो सो रहे हैं उनको जागो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एक ईमान के जज्बे के लिए मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए इसके लिए, फर्ज है। और ये एक फ़र्ज है। सबसे बड़े आखा को ऊपर बैठे हुए, मगर यहाँ पे आखाओं को खुश करने के लिए जो इन्हें बयान दिया है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और सबको हर एरिया में पीएस में रंगारेड्डी हो या सिटी हो अजलाओं में हर जगह आवाज़ उठाना चाहिए। आज हमारे बहना खवातीन भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं हमारे भाइयों का बुजुर्ग लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इसकी मजम्मत करता हूँ। और जितने लोग फिर बोल रहा हूँ सो रहे हैं उन लोग जागिए, और इसमें इस्लाम के जज्बे के लिए इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे भाइयों का और हमारे बुजुर्ग लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कुफ्र करता तक ये जो मुसलमान के नाम पर धब्बा है, शिया कमेटी भी इसको बाहर कर दी, उसके भैया उसकी फैमिली भी इसको बाहर कर दी है, और इसके लिए हम भरपूर एहतजाज पूरा मन होके करते रहेंगे। इंडियाज फर्स्ट 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं वो 199 स्टोर इंडियाज फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 में आपके प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो भी आपके लिए वेलकम है। यहाँ पर आप आइए, मुझसे मिलिए, 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं। और कॉन्टैक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पर।